प्रिय विद्यार्थियों, दशमांश की इस सातवीं कक्षा में मैं एक ऐसे व्यक्ति का दशमांश चक्र डिस्कस करने जा रहा हूं जो एक महानतम इन्वेंटर था, वैज्ञानिक था। कई वर्ष पूर्व की बात है, मैंने किसी पत्रिका में जॉन लॉगी बेयर्ड की कुंडली देखी थी। उस समय मैं नहीं जानता था कि जॉन लॉगी बेयर्ड थे कौन। तो उसी पत्रिका से मुझे पता चला था कि ये टेलीविजन के को इन्वेंटर थे, यानी टेलीविजन के को इन्वेंटर में से एक थे। बहुत ही साधारण सा उनका जन्म पत्र था, सिंह लगंती, लेकिन उनकी उस कुंडली को देखकर कहीं से भी ये आभास नहीं होता था कि ये व्यक्ति इतना प्रखर बुद्धि का साइंटिस्ट, रिसर्चर, इन्वेंटर हो सकता। क्योंकि अब दशमांश की कक्षाएं चल रही हैं, तो मैं ये आवश्यक समझता हूं कि उस महान वैज्ञानिक को का भी दशमांश चक्र जो है उसका भी मैं एनालिसिस करूं। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें उनके संदर्भ में बताना चाहता हूं, ताकि जब उनके दशमांश चक्र का एनालिसिस किया जाए तो आपके पास भी उनके बारे में कुछ जानकारियां हों। जॉन लॉगी बेयर्ड रहने वाले थे, और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इनकी पढ़ाई छूट गई, पर इन्होंने अपने आप को स्वेच्छा से ब्रिटिश सेना में एनरोल करा दिया, परंतु इनकी बीमारी की वजह से, क्योंकि इनको बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं, तो बीमारी की वजह से इनको सेना से अयोग्य घोषित कर दिया गया और कभी फ्रंट पे भी नहीं भेजा गया। अतएव इन्होंने कुछ अन्य काम भी किए। अब मैं दशमांश का वर्णन करूंगा कि क्योंकि राशि चक्र मैंने नहीं दिया, दशमांश चक्र ही दिया है, और क्योंकि सप्तविंशांश की भी इसमें आवश्यकता पड़ रही है तो मैं उसे आपको मौखिक रूप से बतला दूंगा। पर आप इतना जानिए कि इनकी राशि चक्र में सिंह लगना है। ये
जो आप दशमांश चक्र देख रहे हैं ये उनका यानी जेम्स लोगी बेयर्ड का दशमांश चक्र है। अब यहां आप विचार करेंगे दशमांश के दसवें घर का स्वामी पांचवें घर में बैठा हुआ है, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनको जो है इन संबंधी कार्यों को दिखाता है, एंटरटेनमेंट हो गया, ये हो गया, लेकिन अध्ययन अध्यापन इनके भी कार्य दिखाता है। तो यहाँ पे हमें जो है अन्य वर्ग की भी सहायता लेनी पड़ेगी ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि इनकी विचारधारा या इनका जो माइंडसेट है वो किस दिशा में है और शनि इनके माइंडसेट को कितना प्रभावित करता है, तभी वो दशमांश के जो पांचवें घर में का निर्णय कर पाएगा कि वो पांचवें घर में किस संदर्भ में रिजल्ट अपने जो परिणाम दे रहा है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। लेकिन मैं एक बात आपको बतला देता हूं कि इसमें यदि आप दशमांश चक्र को देखें तो पंचम घर का स्वामी बुध चौथे घर में पड़ा है, यहां यह गुरु योग बनाता है और चूंकि गुरु के साथ है तो इस योग में तीव्रता आ जाती है। पर गुरु योग का मतलब गुरु बने ऐसा नहीं होता, यह मैं पिछली वीडियो में भी स्पष्ट कर चुका हूं। गुरु का अर्थ ज्ञान से होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो प्रकृति के शाश्वत रहस्यों को सामने ले आए, जो प्रकृति से अध्ययन कर उस अध्ययन को सुलभ कर दे। तो इस गुरु योग की जो मीमांसा है ये बहुत ही विस्तृत हो जाती है। अब इसमें दशमांश में कोई रिसर्च का योग या इन्वेंटर बनने का योग परिलक्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि आठवें भाव का स्वामी गुरु गुरु योग में परिणित हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यक्ति साइंटिस्ट ही होगा, या ठीक है चौथे घर में कमर्शियल लेवल में साइंटिस्ट होगा या उसने कोई रिसर्च कर दिया है ऐसा। हाँ, यहाँ एक हल्का सा बिंदु है कि सूर्य आत्मकारक होके, जो चर आत्मकारक की बात करें तो सूर्य चर आत्मकारक होके आठवें घर में, तो ये कहीं ना कहीं व्यवसाय में कहीं ना कहीं रिसर्च को ले आता है। लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दसवें घर का स्वामी दशमांश का शनि जो है वो पांचवें घर के अंदर बैठ के वो भी बुध की कन्या राशि में थोड़ा सा कुछ स्थिति जो है ना वो कई तरफी कर देता है, कई रिजल्ट दे देता है। यहाँ पे शनि अच्छा पड़ा हुआ है क्योंकि वो यमकंटक नवी दृष्टि से यमकंटक शनि को देख रहे हैं, फिर इसको शुभ महत्व प्राप्त है, एक तरफ बुध गुरु है और दूसरी तरफ शुक्र है, तो शुभ प्रचारी योग बना हुआ है, तो शनि अच्छा पड़ा है। लेकिन शनि की हमें जो, क्योंकि राशि चक्र में ये कहीं से अष्टम भाव के अंदर भी नहीं है ना ही अष्टमेश है, तो ये थोड़ा सा हमें आगे करना पड़ेगा। उससे पहले मैं कुछ आपको और बतलाना चाह रहा हूं कि जो राशि चक्र का, क्योंकि सिंह लग रहे हैं इनकी, तो राशि चक्र के दसवें भाव का स्वामी शुक्र बैठता है, वो छठे घर में है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो ब्रिटिश सेना से भी संबंध बनाया और एक सैनिक की तरह भी अपने आप को वहां प्रस्तुत किया। ऊपर से मंगल की दृष्टि है, तो ये इस बात को ये कंफर्म करती है इस बात की कि ये कहीं ना कहीं सैनिक के रूप में भी इन्होंने प्रयत्न किए अपने जीविका अर्जन के लिए, जिस भी कहीं ना कहीं सेना भी इसमें आ गई जो कि ब्रिटिश आर्मी है, मैं इन्होंने अपने आप को स्वच्छ रूप से अपने आप को एनरोल करवाया था। अब ये जो ये छठा घर है ये दो पाप मध्य में आ गया है, शनि और केतु, तो ये स्पष्ट होता है कि ये चल नहीं पाया इनका। तो अब हम आगे देखते हैं कुछ भांश चक्र के बारे में, आपको मैं इनके जो बता दूं जो कि मैंने दिया नहीं है, लेकिन अभी आप देखो शनि को देख लो, यहाँ पे याद रखो उसको, मैं अब फिर आऊंगा इस पे।
भाइंश चक्र इनका वो बहुत ही ज्यादा मतलब उन्नत है, मैंने दिया नहीं है उसमें। तो यदि हम भाइंश चक्र की भाइंश चक्र जिसके बारे में मैंने पिछली कक्षाओं में भी बतलाया था उसका अध्ययन हम करते हैं तो पता है कि इसमें इन भाइंश की जो लग्न है इनकी वो मिथुन है, बुध के द्वारा रूल्ड लग्न है, जिसके जिसका स्वामित्व स्वामित्व बुध के पास है। जो मैंने बताया था हर तरह के जो है कार्यों को जो है हर तरह के जितने भी कार्य हैं सबको प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि बुध जो है वो भगवान विष्णु का ग्रह है, तो वो पालक है, जीविका सब कुछ बुध के अधीन है, जितने भी क्षेत्र है वहां बुध आ जाता है। तो मिथुन लग्न है और भाइंस लग्न मिथुन है और उसमें शनि बैठे। यहाँ पे शनि अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम घर के भाइंस के अष्टम घर के स्वामी होके बैठे। यहाँ पे रिसर्च इन्वेंशन वगैरह सब आ जाते हैं कि उनके अंदर प्रतिभा थी इस चीज की, रिसर्च की इसकी। और बुध का ही जो उपग्रह है शुभ उपग्रह अर्यम सप्तम दृष्टि से इनको देख रहा है शनि को। तो इनमें इसमें जो विलक्षणता भी आ गई इनके जो रिसर्च में इन्वेंशन में, ये रिसर्च इनके जो माइंड सेट में रिसर्चता दे दी, रिसर्च में जो विलक्षणता दे दी है। अब शुक्र को देखो, शुक्र तुला लग्न का स्वामी, तुला राशि का स्वामी होके पांचवें घर का स्वामी होके भाइंस में पांचवें ही घर में विराजमान है दैत्य गुरु, जो ने प्रतिभा संबंध संपन्न करते हैं, प्रतिभा संपन्न करते हैं और उसको बुध देख रहे हैं। और यमकंटक बुध के साथ युति बनाए हुए हैं, अतः यमकंटक भी सप्तम दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। दैत्य गुरु प्रबल हो गए, और दैत्य गुरु का मतलब है ज्ञान, वो ज्ञान जो मनोरंजन करे, वो ज्ञान जो कुछ चमत्कार पूर्ण भी हो, जैसे वो मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता है चमत्कार दिखाते हैं, तो चमत्कार प्रधान वैज्ञानिक तो शुक्र में भी विलक्षण प्रतिभा आ गई है। दैत्य गुरु बलवान हो गए, अब पुनः इनके दशमांश चक्र में हम चलते हैं। अब यहां आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि शुक्र यहां पे तुला राशि में है, तो अपनी प्रतिभाओं को का व्यवसायीकरण करना ये इसमें आ जाता है। तुला राशि व्यापार प्रधान राशि है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि तुला का मतलब यदि आप हिंदी में, क्योंकि संस्कृत का शब्द तुला है, यदि आप इसे हिंदी में समझे तो तराजू, और तराजू कहाँ काम आती है व्यापार के अंदर, लेन देन में, जब हम कोई सामान तोल के धन लेके उसे देते हैं, तो ये व्यापार प्रधान राशि भी हो जाती है। तो शुक्र इसमें विराजमान है, तो इन्होंने अपनी प्रतिभाओं का व्यापार भी किया, लेकिन फिर शनि और केतु के मध्य शुक्र है तो उससे इन्हें लाभ जिंदगी भर कुछ नहीं हो पाया। अब मैं फिर चलता हूं। अब शनि में हमने देखा कि इन्वेंशन करने की ताकत इनका शनि ने दे रखी है, भानु चक्र भी अभी हमने इनका देखा था। तो शनि इनका आप देखो तो भानु में मिथुन राशि में बुध की राशि है, यहां भी वह कन्या बुध की राशि में शनि पांचवें घर में है। तो जो बौद्धिक स्तर पर इन्होंने इन्वेंशन किए वो सबसे पहले इन्होंने मैकेनिकल टेलीविजन बनाया था। अब ये मैकेनिकल टेलीविजन क्या है ये आप, मैं यहां ज्यादा इसके बारे में बताना नहीं चाहता क्योंकि ये विषय नहीं है। फिर इन्होंने सुधार किए, इलेक्ट्रॉनिक कलर टेलीविजन भी बना दिया इन्होंने।
स्टीरियोस्कोपिक टेलीविजन भी बनाया, लेकिन विडंबना इस बात की रही इन सब से इनको कोई लाभ नहीं हुआ, इन सबके व्यापार से कोई लाभ नहीं हुआ इनको, और इनका जीवन का अधिकांश भाग दरिद्रता से पूर्ण रहा, धन अभाव रहा इनके पास। ये तो आपने देखा कि कैसे दशमांश चक्र किसी भी जातक के व्यवसाय का निर्धारण करने में सहायक हो जाता है। हे विद्यार्थियों, आशा है कि ये सातवीं कक्षा जो मैं दशमांश में ले रहा हूं ये आपको पसंद आई होगी, आपके ज्ञान का वर्धन हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे एक विशेष बात कहना उचित समझता हूं कि अब तक जो मैंने सात कक्षाएं मैंने ली हैं आपकी, हर कक्षा का मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखाया है, ज्ञान जो है वो अथाह होता है, हम सात या आठ कक्षाओं में उसे पूरा नहीं कर सकते, ये सब निर्देशन मात्र है। तो आप सब दशमांश का सूक्ष्मता से गहनता से अध्ययन करें। यहां मैं एक बात बताना समझ रहा हूं, उचित समझता हूं कि मैंने जितने भी अभी आपको पिछली वीडियो में भी जो उदाहरण दिए थे उसमें से इनका जिन जॉन लोगी बेयर्ड को छोड़ के बाकी सब का उदाहरण मैंने इंटरनेट आदि से इनका भी किया, इंटरनेट से प्राप्त, इनका जो मैंने बाद में चीज है वो मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है, मुझे सिर्फ इतना ही पता था ये को इन्वेंटर टीवी के रहे हैं, अन्य जानकारियां मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बतला देना उचित समझता हूँ, जो मैंने ज्योतिष के सूत्र अपनी अनुसंधान से या अपने तजुर्बे से जो तो 30 वर्षों से ज्यादा है उससे मैंने विकसित किए हैं, उनमें मैंने बहुत कम महापुरुषों के जन्म पत्र जो है गणना में लाए थे, उनका अध्ययन किया था, ये सब सूत्र मैंने बहुत ही एवरेज आदमी सामान्य आदमी आदमियों के जन्म पत्रों से मैंने सूत्र निकाले या उनको विकसित किया। लेकिन ये इनमें विलक्षणता ये है कि अब बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है उनको भी वही सूत्र उन पर भी लागू हो रहे हैं। तो ज्योतिष जो है तपस्या मांगता है, चिंतन, क्योंकि अभी जिस हमने शनि के बारे में इनके जो के हमने उसमें जो भ्रंश चक्र में बेयर्ड के जो हमने शनि बताया था कि आठवें भ्रंश के आठवें घर का स्वामी होकर लग्न में बैठा हुआ है, तो आठवां घर होता है अनुसंधान का, रिसर्च का, इन्वेंशन का, इनका होता है, लेकिन शनि जो है वो अंधेरे का सूचक है। तो जैसे आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको भ्रकुटियों के मध्य अंदर प्रकाश की अनुभूति होती है, ऐसे ही शनि का कार्य है कि वो उसमें प्रकाश ही नहीं है, तो लेकिन जब वो तपरत होते हैं तो अंत उसमें अपने भ्रकुटियों मध्य में जो प्रकाश अनुभव करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये जागृति होती है और ये रिसर्च होती है जो वो अंधेरे से ढूंढ लाते हैं। तो यह शनि जो है वो चिंतन का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु में मैंने दोनों ही मैंने गणना कर ली है, देवगुरु की और असुर गुरु की, ये तो ब्रह्म ज्ञान का कारक है, लेकिन है वो वैराग्य प्रधान है, समय देता है दुनिया से थोड़ा हटके सोचने का समय देता है, चिंतन करवा देता है। जैसे हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं आंख बंद करते हैं तो हमें भ्रकुटियों का मध्य प्रकाश दिखाई देता है, इस तरह शनि की कार्य प्रणाली होती है, तो प्रकृति के सब गूढ़ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। अब मैं इस कक्षा को विराम देता हूं।
खुश रहो, नमस्कार।